हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरमीत एंड प्रीति। आई होप आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे। और हो गए कितने बजे टाइम हमारा व्लॉग शुरू है? रात के 1:30 बजे। कितनी डेडिकेशन है। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि 17 जनवरी को गुरुपुरब है गुरु गोविंद सिंह जी का। तो और सुबह हमारे घर में प्रभात फेरी, सुबह हमारे घर में आ रही है प्रभात फेरी। तो उसके लिए हमने कैमरा ऊपर किया जाए, हमने लगवाए हैं टेंट। एक लाइट वहां पे लगी है, ये देखो गाइस पागल हो गए। हमने लगवाया, ओहो ठंड लग रही है अभी यहां पे। अभी टेंट की सुरक्षित के लिए दो बॉडीगार्ड खड़े हैं, एक येरा। ये ध्यान दे रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं सारे इनकी, है ना। और इसके बाद हम मतलब बनाने जा रहे हैं लंगर। लंगर बना रहे हैं। पहले तो कहा था कि हलवाई को करेंगे, फिर इतने तो कौन बैठा रहेगा उनके आसे पास, कौन उनकी सेवा करेगा। तो इस करके बट बाबा जी ने ये सेवा हमें खुद हमें खुद दी है, तो हम लंगर खुद बनाएंगे। तो बस अभी हम जा रहे हैं, लंगर की सेवा शुरू हो जाएगी, लंगर बनाएंगे घर पे खुद ही हम। और कितनी ठंड है, ठंड तो बहुत है। सुबह क्या होगा, जो लोग बेचारे बाहर सोते होंगे सोते होंगे। और कसम से मैं तो वो जो चौकीदार भैया बैठा था, मेरे को तो उसका भी कुछ होता था भैया, इतनी उधर तक गई, इतनी ठंड है ना। बाहर के वापस आ गए, इसके नीचे थोड़ी अभी तो हवा आ रही थी, पर्दे मिल रहे थे सारे। तो अब हम जा रहे हैं लंगर बनाने। इससे पहले हम एक लगाएंगे चक्कर। हाँ, एक चक्कर लगा लेंगे। तो चक्कर लगा के फिर इसके बाद हम बनाएंगे लंगर की सेवा शुरू करेंगे, लंगर बनाएंगे। तो लंगर में क्या बनाएंगे वो आप देखना खुद ही कि हम क्या बना रहे हैं। मैं करूंगा। पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, क्योंकि आपको भी तो क्या कहते हैं प्रभात फेरी के दर्शन कराने हैं ना। तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना प्रभात फेरी, शब्द कीर्तन सुनना, कुर्बानी सुनना। जा रहे हैं अंदर क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। ठीक है गाइस, तो पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना आपकी सर्दियाँ कैसे जा रही है। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, हमने पतीले में दूध डाल दिया है और यहाँ बनने लगी है खीर। अब ये मत सोचो कि ये इंसान बनाएगा, गलत। ये धोखा है, ये सिर्फ धोखा है। बनाने वाला बंदा कोई और है, ये थोड़ी सा गुरु का लंगर है, क्योंकि सवेरे बनने खीर लाची पा के बदाम पा के लंगर भी बन रहे, चिट्टे छोले लच्ची बना रही है प्रीति। दो कुकरों में हमने छोटे उबाल दिए, एक इसमें उबाले हैं और एक हमने इसमें उबाल दिए छोले। इसमें उबल गए चावल, यहाँ पे भी हो रहा है दूध बॉईल, और यहाँ पे भी हमने कोई हलवाई नहीं लगाया, बने खुद हलवाई बने, सेवा खुद कर ली थी। सतगुरु की सेवा सफल है। कुछ वही है, मतलब ये मेरे से सैंपल करता है। तो गाइस अब बनने जा रहे हैं छोले, इसलिए हमने फटाफट इसमें देसी घी डाले ताकि गरम हो जाए, फिर इसमें प्याज भून ले। तो शेफ हरमीत सिंह डाल दिया इसमें देसी घी। बस बस रहे छोले, क्योंकि अब मसाला भी है। हम बनेंगे छोले, नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ बन रहे हैं छोले, ये उछालते हुए छोले, इन्होंने खोलते हुए छोले, इन्होंने कच्चे ही डाल दिए। आंवले डाले, आंवले भी। हाँ आंवले क्यों डालते हैं बताओ? बाल क्या बाल अच्छे होते हैं, खट्टापन और कलर के लिए। वहाँ बन रही है चाय, और अब हमारे बर्गर भी आ गए हैं। बाबा बर्गर खाने
एक एक छोला, एक एक छोला, दाना दाना, दाना दाना, एक एक समान, एक समान। से फाल से खट्टे बेटा फाल से। हेलो गाइस, फाइनली मेरी पूरी मील आ गई। ये बाइट मुंह में दुख हो गए। ਤੁਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਜੀ ਬੁਰ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਰੇ ਲੱਗਤਾ ਆਪ ਚਲ ਗਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂੰਗੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ ਰੈਟ ਆ ਆ ਕਰਕੇ ਡਾਲੋ ਮੂੰਹ ਮੇ ਕਿ ਕੱਪ ਮੇ ਕਹਿ ਦਲੋਗੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਹੀ ਡਾਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਰੈਡੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਚੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕਿਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ठंड बहुत है जो मिल रहा है पहन लो ये मत देखो क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा जे ठंड लग गई तो सब कुछ अच्छा ही रह जाएगा फिर हर चीज़ ये भी पहन लेते ये भी पहन लेते सांस सांस इसलिए चढ़ गया क्योंकि मैं ऊपर आया भागते भागते कस्तूरी मेथी लेने कस्तूरी मेथी MBH की कस्तूरी मेथी जो हम डालेंगे लंगर में जो हमने बनाया तो हम नीचे आ रहे हैं गाइस गुड मॉर्निंग सारे नू जल्दी जल्दी उठो प्रभात फेरी आने वाली है तो असी लंगर रेडी कर रहे हैं तो हम तुम उस तो बाद प्रभात फेरी आ गई तो प्रभात फेरी दर्शन करावे कीर्तन सुनावे कहते आनंद लाँगे तो गाइस ब्लॉग पूरा एंड तक देखना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना तो गाइस चंदकी प्रभात फेरी आ गई है और कीर्तन का आपने नाम दिया है तो पूरा भी आने वाला 17 तारीख को तो आपको कोई पूरा भी वाले तो लाख लाख हो जाएगी नो वर्ड आई एम ब्लेस्ड हां मतलब पहली बार हमने घर पे लंगर बनाया कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम हमने ऐसा तो बाहर वैसे तो जैसे ऐसा मतलब छोटा मोटा पहले से आपका पार्ट था तो हमने प्रभात फेरी के लिए मतलब किसी हिम्मत की जरूरत होती है वो बाबा जी अपने रहते हैं चाय बनती है गैस में और तेल कर लेते हैं दूध गर्म हो गया ताकि पानी उबले और फटाफट हम दूध गर्म गर्म डाले तो चाय जल्दी उबाल आ जाए है ना देखो ना मेरी जैकेट पहन के जैकेट छोड़ के मेरी जैकेट पहन के बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी